हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी गॉसिप, जहां मैं देती हूं आपको स्किन और हेयर से रिलेटेड हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के टिप्स, साथ ही करती हूं आपके लिए कई सारे प्रोडक्ट का रिव्यू भी। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगी एक लिपस्टिक को दूसरी लिपस्टिक के साथ, जो मैंने अब तक अपने इस चैनल पर नहीं किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कंपेरिजन करने जा रही हूँ जस्ट हर्ब्स वर्सेस शुगर लिपस्टिक का। अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि इस चैनल पे जो मैंने सेकंड नंबर पे रिव्यू किया था, वो किया था जस्ट हर्ब्स का। आज की इस वीडियो में मैं जस्ट हर्ब वर्सेस शुगर की मिनी लिपस्टिक का कंपेयर करने जा रही हूँ। मैंने अपने इसी चैनल पे एक महीने पहले जस्ट हर्ब की जो 16 शेड वाली मिनी लिपस्टिक आती है, उनका रिव्यू किया था आपके साथ और शेयर किया था कि वो कैसी हैं। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने अपने इसी चैनल पे शुगर की जो मिनी लिपस्टिक का सेट आया है, उसका भी आपके सामने रिव्यू किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं शुगर वर्सेस जस्ट हर्ब की मिनी लिपस्टिक के कंपेरिजन आपके साथ करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने कुछ दिन पहले ही आपके साथ शुगर की ये 4 मिनी लिपस्टिक का रिव्यू आपके साथ शेयर किया था। मैंने आपको बताया था कि मुझे ये इस तरह के बॉक्स में मिले हैं, इसके अंदर खोल करके ये इस तरह 4 शेड मुझे मिले थे। और इन चारों शेड का हैंड स्वेच भी मैंने आपके साथ शेयर किया था और आपको दिखाया था कि किस शेड में कौन सा कलर है और क्या शेड नंबर है। ये सब मैंने आपको अपने पुराने वाले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुगर मिनी लिपस्टिक का जो मैंने रिव्यू से शेयर किया था, वो लिंक भी यहाँ पे डाल दूंगी। आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और एक महीने पहले जो मैंने जस्ट हर्ब की ये 16 शेड वाली जो मिनी लिपस्टिक है, इनका रिव्यू भी यहाँ पे किया था। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप ये वाला वीडियो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुगर वर्सेज जस्ट हर्ब कि दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों में क्या अलग अलग है, दोनों में से कौन बेटर है कौन नहीं बेटर है, दोनों में से आपके वो किसके साइड जाना चाहिए और किसको कहना चाहिए बिग नो। तो मैंने जो जस्ट हर्ब की 16 लिपस्टिक वाले शेड मंगाए थे, वो कुछ बॉक्स आपको याद होगा, कुछ वाइट एंड गोल्डन कलर का एक कागज़ का फॉर्म सा था उसमें आए थे। तो वो तो डिस्ट्रॉय हो गया है मुझसे, क्योंकि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक कैरी करने वाला नहीं था। तो मैंने उसके बाद ये जो 16 शेड थे, मैंने इस तरह के ये प्लास्टिक बॉक्स में सबको एक साथ कैरी कर लिया है, ताकि ये कोई इधर उधर मिस ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है ये बहुत टीनी से थे, ये ब्लड शेप में कुछ थे, ब्लड बहुत ज़्यादा टीनी ये यहाँ पे थे, ब्लड साइज़ के मतलब लगभग एक ब्लड जितना इनका साइज़ था, तो बहुत ज़्यादा टीनी है, तो ये घर में इधर उधर कहीं खो ना जाए। तो इसलिए मैंने इन सभी शेड को इस तरह एक बॉक्स में कैरी कर लिया है। वहीं जब शुगर की बात करूँ, तो शुगर ने जो अपने 4 मिनी लिपस्टिक के जो शेड दिए थे, वो बहुत ही अच्छे एक टीन के डब्बे में दिए थे, जिस वजह से इसे कैरी करना बहुत आसान है। नो डाउट इसमें इनके रखने की सेपरेट जगह है, तो आप इनको आसानी से रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम सीधे मुद्दे की, और सीधे मैं आप पॉइंट पे आती हूँ कि दोनों में से कौन अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है, किसके साथ आपको जाना चाहिए किसके साथ आपको नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं ये जो जस्ट हर्ब्स है, इसके लिप शेड जो है, मैं लगभग एक महीने से लगा रही हूँ। जब से मैंने इसको ऑर्डर किया है, तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मैं कहीं बाहर आना जाना तो मेरा हो नहीं रहा इस टाइम पे, इस सिचुएशन में, तो ऐसे कोई स्पेशली किसी ओकेजन के लिए तो कलर नहीं लगाती हूँ। लेकिन कभी कभी जब मैं वीडियो शूट करती हूँ या वीडियो बनाती हूँ, या फिर मेरा थोड़ा बहुत कहीं अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही गेट टू गेट का प्लान होता है कभी वीक में एक बार, तो मैं इनको शेड को यूज़ कर, और नॉर्मली भी मेरा कभी बाई चांस कभी मन कर जाता है तो मैं लिप शेड ट्राई कर लेती हूँ जस्ट हर्ब से। वहीं मैं शुगर की बात करूँ, तो शुगर जब से मुझे मिला है, तो शुगर के 4 मिनी लिपस्टिक वाले कैसे सेट हैं, इनका रिव्यू करने के बाद मैंने खुद के ऑब्जर्वेशन के लिए भी इनको घर पे ट्राई किया। जो कहीं आना जाना तो था नहीं, तो मैंने घर पे ही इनको बहुत कम टाइम के लिए ट्राई करके देखा। तो मुझे इसमें जो एक बहुत ही बड़ी दिक्कत लगी, ये है कि ये बहुत ही मैट फॉर्म में तो हैं, लेकिन इनको लगाने के बाद आपके लिप्स जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। यकीन मानिए, इतने ज़्यादा ड्राई कि इतना तो मैंने कभी नहीं फील किया था अपने लिप्स को इतना ड्राई। जिस दिन मैंने इसका रिव्यू किया था, उस दिन भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कुछ टाइम बाद ही मुझे मेरे लिप्स जो हैं वो बहुत ड्राई ड्राई लगने लगे थे। तो उस दिन मैंने सोचा कि हो सकता है मैंने अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं किया हो, इसलिए मुझे ड्राई लग रहा हो। हालांकि मैंने तब भी मॉइस्चराइज लगाया था और मैंने आपको बताया भी था कि मैंने कौन सा मॉइस्चराइज लगाया है, लेकिन वीडियो शूट करने के बाद जब अब मैं इसे 4-5 दिन से कंटिन्यू अच्छे से लिप मॉइस्चराइज करके इस शेड को यूज़ कर रही हूँ, तब भी मुझे इसमें एक बहुत ही
डिसअपॉइंट वाली फीलिंग इसमें आई कि लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं। अगर आप लिपस्टिक, ये शुगर की जो मिनी 4 सेट वाला मिनी आया है, अगर आप इसको लगाते हैं तो आपके लिप्स पे वो बात नहीं आ रही है। तो कुछ कमी यहाँ पे मुझे शुगर के साथ लगी कि लगाने के बाद जो है लिप्स हमारे बहुत फटे फटे से हो जा रहे हैं। मतलब अगर आप रिमूव करेंगे इसके बाद शेड को, जो अभी आपने लगाया है उसको आप रिमूव करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे तो आपके लिप्स पे ना बहुत ही रूखापन, ड्राइनेस आपको फील होगा और काफ़ी बेकार सा वो देखने में लगता है। आई नो कि आप जानते हैं कि लिप्स कितने सेंसिटिव होते हैं और अगर इस पर कुछ भी हो जाता है तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है लिप्स को अच्छे से फिर केयर करके पुराने वाले टेक्सचर में लाने का। तो यहाँ पे मुझे ये शुगर के साथ बहुत बड़ी दिक्कत लगी, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। अच्छे से मॉइस्चराइज करो, उसके बाद लिपस्टिक वेयर करो, उसके बाद भी वो अच्छा रिजल्ट तो नहीं दे रहा है, लेकिन ड्राई लिप्स की जो दुर्गति हो जा रही है वो अलग बात है। तो वही जस्ट हब्स की इस बारे में बात करूँ तो जस्ट हब इस बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा कि जस्ट हब जो है उसके अगर आप लिप शेड अगर लगाते हैं, ये 4 मिनी वाले भी लगाते हैं, तो आपको अपने लिप्स जो होते हैं वो ड्राई नहीं फील होंगे और एक स्मूथ फीलिंग आपको स्मूथ सा लग फील होगा लिप में। एक लिपस्टिक जो है इनकी वो भी मैट फॉर्म में है लेकिन एक क्रीमी टेक्सचर के साथ यहाँ पे है, तो आपको अपने लिप्स जो हैं वो काफ़ी ड्राई नहीं लगेंगे। मैंने ये वाला जो लिप शेड किया है मैंने 3-4 घंटे से लगाया है और ये अच्छे से चल रहा है, लेकिन अगर मैं 3-4 घंटे से शुगर के 4 मिनी वाले लगाती तो अब तो मेरे होंठों की जो है दुर्गति हो जाती, सच बता रही हूँ दुर्गति हो जाती। तो ऐसा नहीं है कि शुगर के बाकी शेड भी इतने बुरे हैं, मैंने शुगर के जो बाकी लिप शेड आए हैं उनको भी ट्राई किया है, शुगर की जो क्रियोन वाली लिपस्टिक आई है मैंने उनको भी ट्राई किया है, उनके साथ ये दिक्कत मुझे नहीं लगी। लेकिन ये दिक्कत मुझे शुगर के इसी वाले ये 4 मिनी सेट वाले में ही ये दिक्कत आई। बाकी जो और शुगर के लिप शेड हैं ये मिनी सेट हटा करके उनके साथ मुझे ऐसा प्रॉब्लम कभी फेस नहीं हुआ, लेकिन ये प्रॉब्लम जो शुगर के साथ मुझे फेस हुई है ये फर्स्ट टाइम इस लिप मिनी शेड में ही हुई है और मैंने फर्स्ट टाइम ही ऑर्डर किया था और इसी के साथ मुझे ये दिक्कत हुई है। बाकी मैं इससे पहले जो शुगर के लिप कलर यूज़ करती हूँ उनमें मुझे आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं फील हुई है। वहीं मैं बात करूँ जस्ट हब की तो जस्ट हब में मुझे ये प्रॉब्लम अब तक एक बार भी नहीं फील करनी पड़ी, क्योंकि मैं 1 महीने से हो गया, 1 महीने से ट्राई कर रही हूँ, तो अब तक मुझे ये प्रॉब्लम जस्ट हब में एक बार भी नहीं आई है। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ दोनों के प्राइस। अगर आप कॉलेज गर्ल्स हैं या वर्किंग वूमेन हैं और आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है अपने लिप शेड पे इन्वेस्ट करने का, तो मैं आपको एक सजेशन यहाँ पे देना चाहूँगी कि आप जस्ट हब के साथ मूव करिए, क्योंकि जस्ट हब आपको 575 में 16 शेड देता है और 16 के 16 शेड के जो कलर हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं आपस में। इसमें एक बात जो मुझे लगी कि ब्राउनिश पे ज़्यादा फोकस है तो वो कलर भी उतने अच्छे बुरे नहीं हैं, अच्छे कलर हैं, लेकिन इसमें पिंक रेड वगैरह इस टाइप के कलर भी हैं लेकिन वो ब्राउनिश कुछ ज़्यादा इसमें डाले हुए। जबकि बात करूँ इसके वाले सेट की 4 मिनी शुगर के सेट की, तो इसमें आपको 799 में आई थिंक 800 मान लीजिए, 799 का है तो 800 मान लीजिए, तो इसमें आपको 800 में केवल 4 शेड मिलेंगे जो आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो। बस ये है कि आप अब यहाँ पे अपने 4 कलर अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो और इसका साइज कुछ 1 फिंगर जितना है। तो अगर आप देखा जाए, अगर आप डेली भी इस शेड को लगाती हैं तो 16 शेड हैं जो ब्लड साइज़ के हैं, तो मुझे लगता है ये आपके 2 से 2.5-3 महीने इनफ चल जाते हैं। अगर आप प्रॉपर हर टाइम लिपस्टिक नहीं वेयर करती हैं तो ये आपका काफ़ी लंबे टाइम तक अच्छे से चल सकता है, क्योंकि 1 महीना तो मेरा ही हो गया चलते चलते, तो आप इसे और अच्छे टाइम तक लंबे से चला सकती हैं। जबकि 799 में 4 कलर हैं जिनके साथ आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी कि लिप ड्राई हो जाएंगे, हो सकता है आपके लिप फट भी जाएँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है शुगर के मिनी लिपस्टिक सेट में। मुझे शुगर के और किसी भी लिप शेड के साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मुझे फर्स्ट टाइम पे ही इसके साथ ये प्रॉब्लम हुई। जबकि मैं सोच रही थी कि जस्ट हब जो है उसके अकॉर्डिंग शुगर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, शुगर ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा मैंने सोचा था, क्योंकि मैंने शुगर का जो लिप शेड है पहले से यूज़ किए थे। जबकि जस्ट हब जो है मैंने फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना, तो फर्स्ट टाइम ही इसका पहला कोई प्रोडक्ट मंगाया, मैंने मंगा तो लिया रिव्यू करने के लिए, लेकिन मुझे लगा वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, तो इसे ठीक है जब अच्छा यूज़ किया तो अच्छा लगा तो यूज़ करती रही। लेकिन शुगर से मुझे बहुत उम्मीदें थी और क्या कहते हैं, मुझे लगा था कि जब शुगर को 4 मिनी सेट वाला आया है तो चलो अच्छा है, 800 में 4 कलर मिल रहे हैं, ये सोच के मैंने इसे ऑर्डर किया। लेकिन जब इसे ऑर्डर किया और ट्राई किया तो मुझे ये बिल्कुल ही बिल्कुल डिसअपॉइंट कर गया। तो बस अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका बजट कम है और आप
अच्छे कलर चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लिप्स के साथ कोई प्रॉब्लम भी ना हो, और आप शुगर फोर मिनी और ये जस्ट हब्स वाला लेने का सोच रहे हो, तो आपको जस्ट हब के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जस्ट हब जो है वो आपके लिप्स को ज़्यादा अच्छे से केयर कर रहा है, जबकि शुगर के जो फोर मिनी वाले सेट हैं उनमें थोड़ा लिप ड्राइनेस की दिक्कत आ रही है। तो ये था आज के इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं यहाँ पर वीडियो डालूँ या स्किन केयर हेयर केयर के टिप्स आपके साथ यहाँ शेयर करूँ वो आपको टाइम